बांग्लादेश का और बैंकॉक का, दो जगहों का अभी तक मेरे को ना ट्रैफिक बहुत ही घटिया लगा, एक तो ढाका हो गया और एक बैंकॉक हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत अपने यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर पर। अभी मैं हूँ थाईलैंड के एक शहर पटाया में। आप लोगों ने पिछले एक दो वीडियो देखे होंगे पटाया के। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैंकॉक। बैंकॉक की 2 या 2.5 घंटे की जर्नी है। आप लोगों ने पहले भी दिखाया था, मैं बैंकॉक से सीधा एयरपोर्ट से मैं आ गया था पटाया पे। तो आज हम लोग बैंकॉक जाएंगे, फिर कल से मैं बैंकॉक को एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा। बैंकॉक में भी ज़्यादा नहीं रुकूंगा, मैं 2 या 3 दिन रुकूंगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे के प्लान्स क्या होते हैं। आगे के प्लान्स मुझे अभी नहीं पता। मैं जल्द ही थाईलैंड को छोड़ने वाला हूँ, 4 से 5 दिन में मैं थाईलैंड को छोड़ दूंगा। उसके बाद नई कंट्री जाएंगे, शायद हांगकांग का प्लान है मेरा। बाकी तो देखते हैं, प्लान बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, है ना। फिर मैं मेरे हॉस्टल में ही हूँ और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा बस स्टैंड से फिर मैं लूँगा बस बैंकॉक के लिए। तो यहाँ से पहले बैंकॉक तक की जर्नी दिखाऊंगा, फिर बैंकॉक की नाइट लाइफ वगैरह, वहाँ की लोकल चीज़ें वगैरह, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे हम लोग बैंकॉक में ही भी। हॉस्टल की छत के ऊपर मैंने कुछ कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं, टॉवल सुखाने के लिए ऊपर डाल के गया था, लेकिन ये सूखने की बजाय भीग गया भाई, चोट हो गई भाई, और ये बारिश के पानी में भीग गया। रात को बारिश आई थी यहाँ पे। अभी मैं आ गया हूँ मेरे हॉस्टल की छत के ऊपर, 11:15 बज गए हैं। थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे। 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से बैंकॉक। बैग वगैरह उठा लेता हूँ। देखो ऐसे बांस की लकड़ियों से इन लोगों ने हॉस्टल बना रखा है पूरा का पूरा ना। ये वाला था मेरा डॉर्मेट्री बेड। यहाँ पे 500 बार डिपॉजिट लेते हैं ये हॉस्टल वाले, पता नहीं किस चीज़ का लेते हैं। फिर आप लोग जब चेकआउट करते हो ना, तब आपको डिपॉजिट वापस करते हैं। तो मैं अपना 500 बार डिपॉजिट वापस लेता हूँ यहाँ से। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? या यू कैन चेक। तो भाई चेक करके आएंगे वहाँ पे ऊपर हॉस्टल में, जो सामान वामान सब इनका सब वही है ना, तो फिर मुझे 500 बात वापस देंगे। छोटी सी जगह को कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा गिम्बल वगैरह या कौन सा स्टैंड वगैरह यूज करते हो। ये इतना सा, ये छोटा सा यूज करता हूँ मैं, बस ये इतना सा हाथ में आ जाता है, बस ये लो, ये हाथ में डाल लेता हूँ। जैसे कहीं वो होती है ना, जैसे बांग्लादेश में स्नेचिंग वगैरह बहुत होती थी, तो मैं क्या करता था इसको ऐसे करके और ऐसे हाथ में डाल लिया करता था, ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगी। हाँ, ये कोई स्नेच करके ले जाएगा तो मतलब एक झपट्टे में तो उसके हाथ में नहीं जाए। इट्स ओके, डन, ओके, या थैंक यू। देखो भाई 500 बात इन्होंने वापस दे दिए। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। व्हाट्स योर नेम? आई फॉरगॉट योर नेम। या मे तू चो। हैप्पीनेस कम्युनिटी हॉस्टल, आप लोग इसमें ठहर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा यार। तो भाई हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है, अब चलते हैं। मैं उससे पूछ रहा था कि मुझे बस स्टैंड जाना है, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो कि कैसे जाऊं। लेकिन उस भाई ने गाइड करने की कोशिश की तो सही, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। आगे जहाँ खाना पीना खाऊंगा ना, वहाँ पूछूंगा किसी से लेके कैसे जाऊँ मैं। यहाँ से मैं टैक्सी भी कर सकता हूँ, जो ग्रैब टैक्सी आती है ना, उसमें बाइक टैक्सी कर सकता हूँ, वो लेगी लगभग 55 बाट लेगा। पटाया की सुबह सुबह की झलक कुछ ऐसी है, देखो सड़कें खाली पड़ी है सुबह सुबह। थोड़ी सी देर में यहाँ पे ना एक बॉडी मसाज पूरे पे आपको वही मिलेगा, बॉडी मसाज। उमस इतनी जबरदस्त है ना, पूछो मत। और ये वाला शर्ट मैंने इतना हैवी पहन लिया, अब यहाँ पे ऐसे लग रहा बारिश होने वाली है। रोज ऐसी गर्मी उमस पड़ती है, फिर शाम को 4 से 5 बजे बारिश स्टार्ट हो जाती है। और मैं बैठ गया हूँ यहाँ के टुक टुक में, मुझे जाना है टर्मिनल 21 पे, वहाँ से मुझे बस मिलेगी बैंकॉक के लिए, और ये टुक टुक लेगा 10 बार। यहाँ के टर्मिनल 21 पे आ गए हम लोग, और यहीं से कहीं आसपास बस स्टैंड है, देखते हैं यार। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है किधर है बस स्टैंड, लेकिन ये वाला एरिया ना काफी अच्छा लग रहा है पटाया का। वॉकिंग स्ट्रीट साइड में आप लोगों को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो टर्मिनल 1 एरिया है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं भीड़ भाड़ है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। उमस और गर्मी इतनी ज्यादा है ना, 2 मिनट के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है बाहर। सब लोग बोल तो यही रहे हैं कि यहीं से टर्मिनल 21 है, यहीं से आप लोगों को बस मिलने वाला है। यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूर है बस स्टेशन, वहाँ से 2 किलोमीटर से पैदल चला चला आ रहा हूँ। एक भाई साहब मिल गए आयरलैंड से। हेलो ब्रदर,
हाय हाय, बड़ा ही मजा आ गया बंदा यार। मेरा 2 किलोमीटर का टाइम पास कराया, हालांकि पसीना तो आज छूट गया मेरे, लेकिन भाई ना इतना बोलता है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए यहाँ के बस स्टैंड को। बस स्टैंड के बाहर का भी कुछ ऐसा, यहाँ पे लगना लाइन, आज तो बड़ी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे बस की। वैसे हर आधे घंटे एक घंटे में यहाँ से बसेस जाती है। थैंक यू। ये है यहाँ का बस स्टैंड अंदर से। 131 बात का टिकट पड़ा है हमें यहाँ पटाया से बैंकॉक तक के लिए। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह काफी अच्छे कर रखे हैं लोगों ने। वैसे बैंकॉक पहुंच गए हम लोग, लास्ट स्टॉपेज यही है एक्का माई बस स्टैंड, पटाया से बैंकॉक की बस का। तो ये पीछे हमारी बस खड़ी है, यहाँ से बैगेज वगैरह लूंगा और अब मैं जाऊंगा यहाँ से खौसान रोड। यहाँ से भी मुझे एक और बस लेनी है, यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है खौसान रोड। और यो देखो यहाँ की मेट्रो जा रही है। मैं वहाँ से बाइक टैक्सी देख रहा था, बाइक टैक्सी पड़ रहा था मेरे को 140-150 बात का खौसान रोड के लिए, लेकिन यहाँ से मैंने बस लिए तो ये मेरे को पड़ा है मात्र 20 बात का। एसी बस वगैरह कुछ ऐसी होती है यहाँ की। थाईलैंड में वो है टैक्सी वगैरह काफ़ी महंगी पड़ती है, तो आप लोग टैक्सी वगैरह लेना थोड़ा सा बचे, उससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेंगे तो आप लोग पैसे बचा सकते हैं। बस ने खौसान रोड तक पहुंचाने के लिए ले लिए कम से कम 2 से 2.25 घंटे यार। यहाँ का ट्रैफिक ना, बैंकॉक का ट्रैफिक भाई माशाल्लाह यार, भाई क्या ही कहे बैंकॉक के ट्रैफिक के बारे में। इतने में तो मैं पैदल पैदल आ जाता वहां से यार। बहुत ही घटिया ट्रैफिक है बैंकॉक का, बांग्लादेश का और बैंकॉक का, दो जगहों का अभी तक मेरे को ना ट्रैफिक बहुत ही घटिया लगा। एक तो ढाका हो गया और एक बैंकॉक हो गया। इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है, अभी लाइन ना काफी आगे तक लगी हुई है, बहुत दूर तक लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं सोच रहा था आज यहीं नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने जाऊंगा, 7 बज गए शाम के, नाइट लाइफ हो गई बड़ी एक्सप्लोर बैंकॉक वाली। बारिश का कोई पता नहीं यहाँ पे, अभी कभी भी बारिश हो जाता है, दिन भर में इतनी उमस पड़ेगी और शाम को बारिश होगा जबरदस्त। और ये मोहतरमा को पता नहीं क्या हो गए, बारिश में खड़ी है भाई बहुत देर से। मुझे ना शायद 5 या 6 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, एक या 2 दिन बारिश नहीं, बाकी हर दिन बारिश होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बारिश का सीजन भी नहीं है, तो 11-12 बजे के लगभग देखूंगा जाने का मौका मिला तो बाहर। आज तो सबके प्लान फेल है भाई, यहाँ पे सब बैग वगैरह लेके बैठा ही था यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग कुछ चेकआउट करके भी बैठे हैं, उनको भी जाना होगा शायद। ये है हॉस्टल जो मैं रह रहा हूँ अभी, जिस हॉस्टल में 7:45 बज गए शाम के, बारिश वगैरह ख़त्म हो गई है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, देखते हैं बैंकॉक की नाइट लाइफ कैसी है। अरे यार बूंदाबांदी हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी, मैं सोच रहा था बिल्कुल ख़त्म हो गई बारिश, उतना नहीं है, आराम से घूम फिर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं बैंकॉक को। आप लोगों ने पहले देखा मैं चला आया पटाया से बैंकॉक, और अब बैंकॉक की नाइट लाइफ वगैरह, पटाया की नाइट लाइफ भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो अभी मैं खौसान रोड में ठहरा हुआ हूँ, और यहाँ पे खौसान रोड की जो नाइट लाइफ है वही है जबरदस्त बैंकॉक में। तो सड़कें खाली पड़ी है, मतलब अभी यार इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि लोग होटलों से बाहर निकले हैं, बाकी इतना सुनसान देखने को मिलेगा नहीं कभी नॉर्मली, यहाँ पे लोग बाहर निकले नहीं इतना। यहाँ पे सारे के सारे लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे बस स्टैंड होते हैं। अभी यहाँ पे बस आएगी और शायद किसी की फ़्लाइट होगी, किसी का क्या होगा, सब एयरपोर्ट जाएंगे। खाली खाली पड़ा है यार, वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब जो बैंकॉक की नाइट लाइफ में जो होनी चाहिए ना एक रंगत सी। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ की जो मेन स्ट्रीट है खौसान रोड की। थोड़ी थोड़ी भीड़ भाड़ शुरू हुई है यहाँ पे, वैसे अभी मुझे लगता है थोड़ी सी देर में ना अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो जाएगी। ये रेस्टोरेंट वगैरह भी खाली पड़े हैं, ये थोड़ी देर में सारे के सारे भर जाएंगे, बियर के बोर्ड वगैरह लेके घूमने लग गए। और ये किस किस को खाना है बताओ, ये क्या है, केकड़े। ये बारिश नहीं होती ना तो ये छतरिया वगैरह कुछ भी नहीं होती यहाँ पे। ये
स्ट्रीट फूड जबरदस्त होता है भाई यहाँ का, आप लोग कभी ट्राई कर सकते हैं स्ट्रीट फूड यहाँ पे आते हैं तो। जो मेन स्ट्रीट है ना वहाँ पे स्ट्रीट फूड थोड़ा सा महंगा मिलेगा, और थोड़ा सा साइड में जाओगे तो वहाँ पे सस्ता मिलेगा। लेकिन बारिश एकदम थम गई है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर से वही रंगत देखने को मिलेगी। जब तक यहाँ पे थोड़ा सा नाइट लाइफ वगैरह स्टार्ट हो, थोड़ा सा भीड़ भाड़ बढ़े, तब तक मैं सोच रहा हूँ यार कुछ खाना पीना खा लूँ। कुछ बियर वियर पीने का मन है तो वो भी बियर वगैरह भी मैं पी लेता हूँ यदि मन किया तो। तो एक बार खाने पीने की कोई शॉप देखते हैं और वहाँ पे बैठ के खाना पीना खाते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट में आप लोगों को ऐसे मसाज सेंटर बहुत सारे मिल जाएंगे, आप लोग बाहर बैठ के मसाज करवा सकते हैं। हेलो ब्रदर, हाउ मच फॉर मसाज? ये है यहाँ की मसाज का प्राइसेज, आप लोग ये सारी की सारी मसाज एक बार चार देख लो, सारी की सारी भात में प्राइसेज है। लेकिन मैं कंपेयर करूँ यहाँ की नाइट लाइफ में और पटाया की नाइट लाइफ में, पटाया वाली नाइट लाइफ है ना बहुत तड़कती भड़कती होती है, यहाँ पे आपको इंडियन एक भी देखने को नहीं मिलेगा, और पटाया में ना सारे के सारे इंडियन भरे पड़े रहते हैं। जहाँ जाओगे, जिस रेस्टोरेंट में जाओगे, जिस बार में जाओगे, जिस शॉप पे जाओगे, जिस बीच पे जाओगे, हर जगह, और वो भी ग्रुप में जाते हैं सारे के सारे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप जाते हैं इंडियंस के, पता नहीं सारे के सारे लोग बैंकॉक तो आते ही नहीं, मुझे इंडियन सीधे जाते हैं भाई पटाया सिटी। उसी स्ट्रीट के बाजू में एक और स्ट्रीट है, मैं इधर खाना पीना खाने आ गया हूँ। यहाँ पे खाना पीना खा के अभी वहाँ पे इतना कुछ मुझे लगा नहीं, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत खाना पीना खा के और वापस चलेंगे उधर। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आप लोग जहाँ मर्जी वहाँ पे खाना खा सकते हैं। अभी देखता हूँ मैं भी किसी रेस्टोरेंट में बैठता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक छांग बियर ऑर्डर किया है, ये वाला 89 बात का है, और फ्राइज ऑर्डर किए 59 बात का। ये है यहाँ की लोकल बियर छांग, ट्राई करते हैं, टेस्ट करके बता रहा हूँ कैसा क्या टेस्ट है इसका। ठीक ठाक है, ज्यादा कड़वी भी नहीं है। कितना मुझे लगता है इसका अल्कोहल परसेंटेज बहुत कम होगा, 4.8% से नीचे है, पौनी 200-200 रुपए की लगभग है। यदि आप यहाँ पे एक 7-11 शोरूम होते हैं, 7-11 शोरूम में जाओगे ना तो आपको ये जैसे फुल बोतल है 89 बात का दिया ना मुझे, तो ये वहाँ पे आपको 50-60 भात का मिल जाएगा। ये आ गई अपने फ्रेंच फ्राइज, अब एक चिकन राइस ऑर्डर किया है मैंने, ये है 100 भात का। चलो खाना पीना खा लिया है भाई, यहाँ पे नाइट में भी ट्रैफिक जाम हो रखा है क्या? और भाई ये क्या है, ये प्रदर्शन के लिए लगा रखा है, खिलाने के लिए लगा रखा है भाई ने मगरमच्छ। ये देखो भाई लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं। हेलो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते कर रहा है आप लोगों से, नमस्ते करो। पूरा का पूरा मगरमच्छ काट के रखता है भाई, फोटो तहन बात, फोटो के भी पैसे चार्ज कर रहा है कस्टमर से कि आप लोगों को फोटो लेना है ना तो आप लोगों को अलग से पैसे देने पड़ेंगे इसके। हद है भाई, तू ना तेरा मगरमच्छ तेरे पास रख भाई, हम लोग चलते हैं आगे। ऐसे यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पब वगैरह, बार वगैरह, क्लब वगैरह मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे बियर वगैरह पी सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं।
मैं 7 बजे आया था यहाँ पे, तब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी नाइट लाइफ होने वाली है 1 घंटे 2 घंटे बाद में। क्या जबरदस्त माहौल हो गया यहाँ पे, चारों तरफ एकदम पार्टी माहौल है भाई, जिधर जाओ इधर एकदम पार्टी माहौल हो। ताऊ ऐसे लग रहा था खत्म होने वाला है थोड़ी देर, अब आ गया मैं थोड़ा सी शांत एरिया की तरफ, वापस जाके आऊंगा उधर। मजा आता है नाइट वॉकिंग स्ट्रीट में घूमने में। रोहतांग रोड जहाँ मैं ठहरा हूँ ना जिस होस्टल के पास में, बस वहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग पे है ये, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इतना भीड़ भड़ाका है नहीं, इतना म्यूजिक वगैरह भी कोई खास ज्यादा चल नहीं रहा इधर, लेकिन जब भी खाउतान रोड आते हो आप लोग तो ये वाला स्ट्रीट मिस मत करना। स्पेशली आप लोग थाईलैंड का नाइट लाइफ देखना चाहते हो ना, बहुत अमेजिंग नाइट लाइफ है यहाँ का। चलो भाई रात के ना 10:30 बज गए हैं, काफी देर से मैं ये नाइट लाइफ वगैरह घूम रहा था, ये स्ट्रीट वगैरह घूम रहा था। ये वाली स्ट्रीट में आप लोगों ने देखा क्या जबरदस्त माहौल सीन क्रिएट कर रखा था इन लोगों ने। आप लोग थाईलैंड आते हैं तो पटाया भी घूम सकते हैं, और बैंकॉक तो है ही, पटाया है, फुकेट है, और चियांग मई, यदि आप लोगों को पीसफुल जगह चाहिए ना तो चियांग मई जा सकते हैं, काफी सस्ता भी है और बिल्कुल पीसफुल है। बिल्कुल मोस्टली तो लोग जाते हैं पटाया, बैंकॉक तो चलो लैंड होंगे ही होंगे फ्लाइट से, तो मोस्टली लोग जाएंगे पटाया, बैंकॉक और फुकेट। वैसे यहाँ पे ऐसी और बहुत सारी स्ट्रीट मिल जाएगी, लेकिन जो मजा उस स्ट्रीट में था ना वो बाकी ये छोटी मोटी स्ट्रीट में नहीं है। तो अब मैं वापस से जाऊँगा यार, होटल जाऊँगा, 10:30 बज गए, ये पार्टी वगैरह तो लेट नाइट तक चलती है, लेकिन मैं अभी जाके सोऊंगा। हो सकता है शायद मैं सुबह यहाँ से बैंकॉक से बाहर निकलूँ, क्या पता मेरा मन बना तो बाहर चला जाऊँगा, कहीं और जगह चला जाऊँगा, नहीं मन बना तो मैं यहीं पे सोऊंगा फिर आराम करूँगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि ये जो बैंकॉक की नाइट लाइफ थी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।